नमस्कार, स्वागत है आपका INI न्यूज में। आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। सबसे पहले मुख्य सुर्खियां। ताजनगरी में बंद कमरे में लाश मिलने से फैली सनसनी, पुलिस जुटी जांच में। झारखंड में अवैध बुचड़खाने बंद, अब तक 32 दुकानों को किया गया सील। राजस्थान में प्रसिद्ध लोक पर्व गणगौर पूजा की धूम, हिंदू स्त्रियों के सौभाग्य का विशेष त्योहार। बिहार के गया में जन अधिकार पार्टी का जुलूस निकाला गया, कार्यकर्ता काला बिल्ला लगाकर जुलूस में हुए शामिल। और गया में थानेदार ने अपनी नाकामी पर पर्दा डालते हुए पत्रकारों को धमकाया, कहा आपकी वजह से 75% काम हो जाता है खराब। आगरा के थाना खंडौली क्षेत्र के रवि विहार में एक बंद मकान के अंदर एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने से फैली सनसनी। दरअसल मामला आगरा के थाना खंडौली क्षेत्र के रवि विहार का है, जहां एक बंद मकान के अंदर शव मिलने से सनसनी फैल गई। जब घर के अंदर देखा कि जो शव पड़ा था वह घर के मालिक मुकेश का था। वहीं पड़ोसी लोगों का कहना है कि मुकेश उसकी पत्नी के साथ में आए दिन दोनों में मारपीट होती रहती थी। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि मुकेश शराब का आदि था। कैमूर जिले से होकर गुजरने वाले NH2 का हाल बहुत बुरा है। जिले में स्थित NH2 पर सामयिक चेक पोस्ट के कारण कई किलोमीटर लंबे जाम प्रतिदिन लगा रहता है, जिस कारण एम्बुलेंस, पर्यटक वाहन, स्कूली बच्चों की गाड़ियां और तमाम रास्ते से गुजरने वाले लोग इस जाम में फंस जाते हैं। कैमूर जिला उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती होने के कारण यहाँ से जो भी मरीज रिफर होते हैं उत्तर प्रदेश के बनारस के लिए रिफर किए जाते हैं, लेकिन प्रतिदिन लगने वाले जाम के कारण कई मरीज जाम में फंसकर अपनी जिंदगी गंवा देते हैं। कैमूर जिले से उत्तर प्रदेश के बनारस की दूरी मात्र 90 किलोमीटर है, जहां जाने में कुल समय 1.5 घंटे लगते हैं, लेकिन जाम लगने के कारण यह दूरी 8 से 9 घंटे में शायद तय हो जाए, इससे भी ज्यादा समय लग जाता है। बताइए, हम लोग सामान कच्चा माल लोड कर आ रहे हैं और वहाँ पर चेक पोस्ट पर इतना जाम लग रहा है और जब माल खराब हो रहा है तो मालिक बोल रहा है और पार्टी वाला फोन कर बोल रहा है। बताइए कहाँ से हम लोग भरपाई करें, इतना जाम लग रहा है चेक पोस्ट प्रतिदिन का काम है, एक दिन का नहीं प्रतिदिन, कभी रात बीत जाता है तो कभी 4 घंटा, तो कभी 5 घंटा, तो कभी 6 घंटा। रास्ता नहीं खराब है, रोड खराब है, इतना दिक्कत आता है भैया ना कि कभी क्या बताएं, कभी डिवाइडर लगाना पड़ जाता है, कभी राउंड साइड से इस साइड से तो कभी उस साइड से। हम जा रहे हैं बनारस, अच्छा, मरीज लेकर। हाँ, और यहाँ मोहनिया जो टूल टैक्स है और क्या नाम है चेक पोस्ट है, वहाँ जाम लगा हुआ है, 6 घंटे से हम लोग फंसे हुए हैं जाम में। कोई मैंने सुनवाई इसकी नहीं हो रही है कि जाम में छूटेगा कि नहीं छूटेगा, लोग मर रहे हैं यहाँ और मरीज हमारे बहुत परेशान है, लग रहा है कि मर जाएगी मेरी मरीज, डेली का डेली जाम लग रहा है, 6 घंटा 7 घंटा 12 घंटा तक लगता है। राज्य सरकार से निर्देश के बाद लोहरदगा में भी अवैध बुचड़खाने बंद कराने की प्रशासनिक मुहिम चली। शहर के बंगला बस्ती में एक मार्केट कॉम्प्लेक्स पर चल रही 32 दुकानों को बंद कराया गया। इनका लाइसेंस 2015 में ही एक्सपायर हो चुका था। मौके पर सिविल SDO राजमहेश्वरम ने कहा कि सरकार से निर्देश प्राप्त था कि 72 घंटे के भीतर अवैध बुचड़खानों को बंद कराना है, उसी निर्देश पर लोहरदगा में कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की बैठक नगर परिषद में होगी। ये स्लॉटर हाउस सरकार का दिया हुआ, आज से 100 साल पहले मार्केट भी BJP सरकार की टाइम में ही इसको जो दिया गया। लाइसेंस हमारा 100 साल पहले से भी है और बाद में भी बना, लेकिन सोच की बात यह है कि जब भी हम लोग लाइसेंस को रिन्यूअल कराने के लिए नगर पालिका गए तो हम लोग को हमेशा जो है उल्टा सीधा बात बोल के लौटा दिया गया। 2015 तक हमारा लाइसेंस रिन्यूअल है और 2015 के बाद में जो उनको 16-17 का करना था नहीं हुआ, और नहीं होने के कारण ही आज इसको अवैध माना जा रहा है। सरकार से निर्देश प्राप्त था कि 72 घंटा के अंदर हमें अवैध वधशाला को बंद करना था। इस वधशाला का 2015 तक का ही लाइसेंस निर्गत किया गया है, इसलिए चूंकि इसका लाइसेंस रिन्यूअल भी नहीं हुआ है और यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि बोवाइन कैटल्स में बैन लगा हुआ है, तो उसके तहत इसको हम लोग सील कर रहे हैं। रिहैबिलिटेशन के लिए हम लोग खादगाड़ा में चिन्हित किया हम लोगों ने जगह, जो भी मीट बेचना चाहते हैं चाहे वो बकरे का हो या मुर्गी का हो, उन लोगों की बैठक हमने नगर पालिका में कल बुलाई है और जो भी उनकी समस्या होगी लाइसेंस निर्गत करने की जो प्रक्रिया होगी, स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी होगी, वेटनरी के डॉक्टर रहेंगे, स्वास्थ्य के डॉक्टर रहेंगे
और उनको लाइसेंस निर्गत किया। झारखंड के सीएम रघुवर दास लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र आज चुनाव प्रचार करने पहुंचे। लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के गोपी कांदर के खरौनी बाजार में रघुवर दास जब चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान उन्हें काला झंडा दिखाया गया। बताया जा रहा है कि एसपीटी सीएनटी एक्ट में संशोधन वापस लेने की मांग को लेकर कुछ महिलाओं ने जनसभा के बीच से काला झंडा दिखाया। बीजेपी नेता और कृषि मंत्री रणधीर सिंह ने इसे जेएमएम की साजिश बताया है। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम रघुवर दास ने बीजेपी प्रत्याशी हेमलाल मुर्मू को वोट देने की अपील करने पहुंचे थे। खरौनी में जो सभा हो रही थी माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ पे दो महिलाएं जो काला झंडा दिखाने का वहाँ प्रयास किया, वो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा प्रायोजित था और झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी हार को देखते हुए हताशा में आ गई है और इस तरह के वो प्रजातंत्र में इस तरह के निर्णय नहीं लेने चाहिए। प्रजातंत्र में, स्वच्छ लोकतंत्र में ये इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा में नीचे हद तक उतर के जो है सो ये घिनौना काम करने का कोशिश किया और दो महिलाएं पूरी सभा में जहाँ लगभग 10,000 की भीड़ थी, दो महिलाओं ने सिर्फ काला झंडा दिखाने का प्रयास किया। ये जेएमएम के प्रायोजित कार्यकर्ता उसके थे, उनके द्वारा उन्होंने प्रायोजित किया। राजस्थान की वीर प्रसूता भूमि की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराएं अत्यंत समृद्ध रही हैं। राजस्थानी जनमानस अपनी गौरवशाली परंपरा और लोक संस्कृति का पुजारी होने के साथ ही स्वभावतः उत्सव प्रिय है। यहाँ वर्ष प्रयत्न पर्वोत्सवों की धूम रहती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं राजस्थान की प्रसिद्ध लोक पर्व गणगौर की। गणगौर हिंदू स्त्रियों के सौभाग्य का विशेष त्यौहार होने के साथ ही बसंती पर्व की समापन बेला का अंतिम लोक पर्व भी है। राजस्थान के लोक उत्सव में गणगौर का महत्वपूर्ण स्थान है। गणगौर का पर्व चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक यानी 18 दिनों तक मनाया जाता है। सुहागिन स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना और कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर प्राप्ति के लिए व्रत रखकर गणगौर की पूजा करती हैं। जल्द ही बिहार में रणजी तथा आईपीएल स्तर का क्रिकेट मैच खेला जाएगा, जिसकी तैयारी बिहार सरकार स्तर सरकारी स्तर पर चल रही है। ये कहना है प्रदेश के कला संस्कृति एवं युवा मामलों के मंत्री शिवचंद्र राम का। मंत्री ने आज रोहतास जिले के सासाराम में कहा कि पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को तोड़कर जल्द ही बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नया स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसके लिए बजट का प्रावधान कर दिया गया है। तमाम तरीके की तैयारी भी चल रही है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार प्रदेश में इंटरनेशनल स्तर के क्रिकेट मैच कराने के प्रति संकल्प है। एक से काम कर रहे हैं, अभी उस दिन अब लौट कर के आने वाला वो नहीं है जो हम 16 साल के बाद जो वनवास मिला था। बीसीसीआई को जो है, बीसीसीआई ने हमारे यहाँ किसी संघ को फुल मानता नहीं दिया था, उसको हमने दिवाने का काम किया। और यही नहीं, मैनूल है कि स्टेडियम जहाँ क्रिकेट का है, इंटरनेशनल लेवल का क्रिकेट हो चुका है, इसको जो है कि हम न्यू नया हम इसको तोड़ करके बनाने का काम करेंगे और आने वाला समय में रणजी ट्रॉफी और आईपीएल का खेल हम यहाँ पटना में हम जल्द ही कराने का काम करेंगे। वो सब है, बन गया है, उसका नक्शा वगैरह सारा चीज़ बन गया है, उसका जो बजट वगैरह है सबकी प्रावधान कर दी गई है। गया के गांधी मैदान के गांधी मंडप से जन अधिकार पार्टी का एक शांतिपूर्ण जुलूस निकाला गया, जिसमें सभी कार्यकर्ता काला बिल्ला मुंह पर लगाए हुए शामिल हुए। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ पार्टी आज काला दिवस मना रही है। आक्रोशित छात्रों ने मगध विश्वविद्यालय को बंद करने का भी ऐलान किया है। बिहार सरकार के दमनकारी पुलिसिया तंत्र द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पटना में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाने और आंसू गैस के गोले छोड़े जाने और पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं द्वारा मुंह पर काला पट्टी लगाकर गया के गांधी मंडप से शांति मार्च निकाला गया। 27 तारीख को जन अधिकार छात्र परिषद, जन अधिकार परिषद और युवा परिषद के द्वारा बिहार विधानसभा का घेराव का निर्णय लिया गया था, जो कि बड़ा ही सुचारू रूप से और शांतिपूर्ण ढंग से किया जा रहा था। परंतु बिहार सरकार के प्रशासन द्वारा छात्रों पर, समर्थकों पर मनमाने ढंग से बीते 1919 की याद दिलाते हुए जलियांवाला बाग कांड की तरह ही छात्रों पर और कार्यकर्ताओं पर जमकर लाठी बरसाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। माननीय सांसद जाप के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव का बिना संसद अध्यक्ष के अनुमति के बिना गिरफ्तारी के विरुद्ध में आज गया जिला जाप के और युवा शक्ति के सभी कार्यकर्ता काला दिवस के रूप में हम लोग गांधी मंडप में उपस्थित हैं और यहां से हम लोग पूरे शहर से जीबी रोड होते हुए आज़ाद पार्क जाएंगे और आज़ाद पार्क से गांधी चौक में समापन करेंगे।
कल रात रामपुर थाना से महज वॉकिंग डिस्टेंस पर लुटेरों ने किताब दुकानदार पर फायरिंग करते हुए रंगदारी मांगने की घटना पर रंगदार की आक्रोशित लोगों ने भागने के दौरान मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी। आज वही गुंडों ने दुकानदार सहित मोहल्ला निवासियों को केस वापस लेने की धमकी दी। कहा केस वापस नहीं ली तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। इसी धमकी की शिकायत लेकर करीब 200 लोगों ने रामपुर थाने का घेराव किया। इस घटना का कवरेज करने गए पत्रकारों पर आग बबूला हो गए और कवरेज करने गए अखबार और टीवी चैनल के प्रतिनिधियों को धमका डाला। आज आए हैं प्रेम यादव की गिरफ्तारी के लिए। अच्छा। और कल हुआ था दीपक पुस्तक भंडार में प्रेम यादव गोली चलाया, डिमांड मांगने लगा, उतना में पब्लिक दौड़ा, उसके बाद फिर प्रेम यादव भागा गाड़ी छोड़ कर, फिर पब्लिक मोमेंट में गाड़ी उसको जला दिया गया। अब उसकी माँ और उसका परिवार धमकी दे रहा कि ये सब वापस करो नहीं तो फिर सबको मारेंगे, जितना मतलब दुकान वाले। तो आज वही मैटर में लेके दुकान वाले यहाँ आए हैं थाना में इंसाफ करने के लिए, इसलिए कि भाई हम दुकान नहीं खोले हैं, हम लोग को भाई डर समाया हुए है, क्या करें बताइए, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सब दुकानदार लोग आए हैं कि भाई हमको जल्द से जल्द गिरफ्तार हो और हमें सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए। कल का तो न्यूज़ यही है, आया था दुकान में हमारे पास रिवॉल्वर लेकर के, फायर भी किया लेकिन संजोग था कि बच गए हम लोग, भाई के पास भी मतलब यहाँ पर थोड़ा मार दिया था बैट से। आज हम इसलिए आए हैं कि भाई हमको सुरक्षा चाहिए, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। गया शहर के विष्णुपद थाना क्षेत्र के नावागढ़ी मोहल्ले स्थित साइकिल पंचर बनाने वाली एक दुकान में बीती देर रात्रि अचानक आग लग गई। घटना का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा दुकानदार को घटना की सूचना दी गई। पीड़ित दुकानदार दीपक कुमार ने बताया कि आग बहुत तेज गति से लग गई थी। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का कार्य किया। तब तक दुकान में रखे सारा सामान बुरी तरह जलकर राख हो गया था। दुकानदार ने बताया कि आग लगी की घटना से 2 से 2.5 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। घर पे कोई आया बुलाने के लिए, तो आया तो बोला कि आग लगा, देखी तो पूरा आग लगा हुआ है। बताने की कोशिश, जरा से बताने की कोशिश की, फिर दमकल फर्स्ट फ़ोन किया, पब्लिक लोग फ़ोन किया, उसके बाद थोड़ा देर बाद आया तो देखिए पूरा जला हुआ, पूरा कोशिश की बताने का कैसे आग लगा। शॉर्ट सर्किट की वजह से कितने का लगभग सामान जला है? लगभग 2.5 लाख। आगरा थाना सदर बाजार के शहीद नगर में ग्रेस हॉस्पिटल में इलाज के दौरान शीलेंद्र कुमार पुत्र रामजीलाल निवासी नारकी फिरोजाबाद की हुई मौत। मृतक के भाई करा रहे थे इलाज। मौत के बाद मृतक का शव हॉस्पिटल में छोड़ भाई समेत परिवार हुआ फरार। ससुराली जनों का कहना है कि मृतक को उसके भाई समेत परिवार ने खाने में कुछ मिलाकर दिया, जिससे उसकी तबीयत हुई खराब, क्योंकि मृतक का उसके भाई से पैसों का लेन देन था। मामला यह है कि इसकी भौजाई ने, मृतक की भौजाई ने हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि इलाज के बहाने में इसे मार दिया, और इस देवर का पैसा वगैरह इसी पे रहता था, सारी खेत की कमाई ये गांव में रहता था, खेत का लेन देन सब इसी पे रखता था भौजाई पे। बीमार इन लोगों को मालूम होगी, 3-4 दिन में इन्होंने बताया है कि नींद नहीं आती है, सब ठीक हो जाएगा, पहले कोई बीमारी नहीं थी। शादी हो चुकी 15 साल में लगभग, बच्चा भी है। हम ये कार्रवाई ये चाहते हैं कि ये पूरा घर छोड़ के भाग गया है, सिर्फ हमसे खबर ये की है कि हालत खराब है, यहाँ आ जाओ, और यहाँ से इसमें एम्बुलेंस में डेड बॉडी हमको पड़ी मिली है, पूरा घर गायब हो गया है, कोई नहीं मिला है साहब, घर पे अंदर सोफा में सो रहे थे, हमें देखते भाग गए। तो इन्होंने क्या किया है? मारपीट किया। कोडरमा जिले में रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए उपायुक्त संजीव कुमार बेसरा, एसपी सुरेंद्र कुमार झा ने बिरसा सांस्कृतिक भवन में अखाड़ा कमेटियों के अलावा साउंड डेकोरेटर संचालकों के साथ बैठक की, जिसमें अखाड़ा कमेटियों को लाइसेंस का नवीनीकरण, नए अखाड़ा कमेटियों को लाइसेंस हर हाल में लेने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा साउंड डेकोरेटर के संचालकों को पर्व के मौके पर डीजे का प्रयोग निर्धारित डेसिबल में करने, सीडी कैसेट का संबंधित थाना से सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया। डीजे में आपत्तिजनक कैसेट बजाए जाने पर टेंट संचालक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मौके पर प्रशासन की ओर से सभी संवेदनशील जगहों पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति किए जाने के अलावा संदिग्ध व्यक्तियों से बांड भरने का निर्देश दिया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INI News के साथ। नमस्कार।